नमस्कार, स्वागत है एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। तो आपने अभी सुना, जम्मू कश्मीर की जमीन पर ये नारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में लगाए जा रहे थे। कश्मीर की जनता एक सुर में मोदी की जय जयकार कर रही थी। आंखों में बदले हुए कश्मीर की चमक थी और आवाज में सुनहरे भविष्य की खनक सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी पूरे 5 साल के बाद कश्मीर पहुंचे थे। 370 हटाए जाने के बाद मोदी पहली बार श्रीनगर में मौजूद थे। और खास बात यह है कि सिर्फ मोदी ने ही नहीं बताया कि कैसे उन्होंने कश्मीर की तस्वीर को बदला है, बल्कि वहां की आवाम ने खुलकर इस बात का इजहार किया कि हां, मोदी सरकार में कश्मीर की तकदीर बदल गई। बदल गया कश्मीर, वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया। रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मजदूर मजदूरी कर रहा है, दुकानदारी अपनी कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बदलता कश्मीर तो है ही है। घंटा घर में पंछी भी पार नहीं मार सकता था। आज हम लाइफ चलते हैं वहाँ पे, नया साल का एंजॉय करते, हर तरह का एंजॉय करते, लोग सेल्फियाँ खींचते, और क्या चाहिए हमें इससे ज्यादा। ये बदले हुए कश्मीर की वो गवाही है जिसका एक एक शब्द घाटी में रहने वाले लोगों के लिए मोदी का सबसे बड़ा तोहफा बन चुका है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। पांच साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर आ रहे थे और उनके स्वागत में सिर्फ कश्मीर की सड़कें सजकर तैयार नहीं थी। कश्मीर के हर कोने से आने वाली तस्वीरें बता रही थी कि हर किसी को बस मोदी के ही आने का इंतजार था। हम दिल से इस्तकबाल करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जब से 370 हटा हम एक द्वार से जुड़ पाए। जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है वो इन 8 सालों में हुआ है। श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इन तस्वीरों को देखिए, जब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम तक पहुंचने के लिए भीड़ का रेला कोने कोने से पहुंच रहा था। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इन दृश्यों में कश्मीरियत मौजूद है। इन चेहरों में पहले और अब के कश्मीर का फर्क मौजूद है। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है, वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए, बार बार मोदी सरकार, आजाद हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि खौफ के साए में जीना क्या होता है। वो इस बात का दर्द समझते हैं कि बिना संसाधनों के जिंदगी में आगे बढ़ने का संघर्ष क्या होता है, और इसलिए जब मोदी के सामने जम्मू कश्मीर में बदलती और विकास के साथ कदम बढ़ाने वाली जिंदगियां मिसाल बनकर सामने आती हैं, तो मोदी बस इतना कहते हैं कि वो दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ, और मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में, सही दिशा में जा रहा हूँ। आपका दिल मैं जीत पाया हूँ, और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। मोदी ने दिल जीत लिया है, कश्मीरियों का दिल जीत लिया है। तभी तो बुजुर्ग हो या फिर युवा, महिला हो या फिर पुरुष, सब एक सुर में बार बार मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है, और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। मोदी की ये तस्वीरें खास हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर दौरा खास है। खास इसलिए क्योंकि 370 हटने के बाद मोदी पहली बार कश्मीर में मौजूद थे। मोदी वो फर्क बताना नहीं भूले जो 370 हटने के बाद कश्मीर में आया है। एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं
पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से पहले आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अपनाएगा। 5 अगस्त 2019 देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब 370 हटाने का ऐलान किया था तो देश स्तब्ध था कि जो इतने दशकों में नहीं हो पाया वो अब कैसे हो गया, लेकिन हुआ और मोदी सरकार ने करके दिखाया। नतीजा क्या हुआ वो देखिए। '19-20 में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 1% सिकुड़ गई थी, जबकि साल 2022-23 में जम्मू कश्मीर की जीडीपी में 8.2% का उछाल आया। 2019-20 में जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 थी, जबकि 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,70,000 हो गई। ये तस्वीर कैसे बदली इसकी गवाही भी गुरुवार को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मिली, जब नाजिम ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि कैसे एक सरकारी मदद के जरिए उसका जीवन बदल गया। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊ, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 kg। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। नाजिम विकसित भारत कार्यक्रम के लाभार्थी है। '18 में घर की छत से शुरू किया कारोबार अब ऑनलाइन हो चुका है और नाजिम स्वीट क्रांति का चेहरा बन गए हैं। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं स्वीकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं SPG के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। नाजिम की गुजारिश पर मोदी ने न सिर्फ उनके साथ सेल्फी खिंचवाई बल्कि ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त नाजिम के साथ सेल्फी। ये मोदी का स्टाइल है, वो एक नेता की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव करते हैं और ये बात लोगों के जहन में छाप छोड़ जाती है। जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। कश्मीर के लिए मोदी की कोशिशों का असर ये है कि मोदी पर न सिर्फ लोगों का टूट भरोसा हुआ बल्कि वो मोदी को प्यार करने लगे हैं। आज अगर हमारा कश्मीर का पहाड़ी गुज्जर कोई जो भी कोई है खुश है मोदी जी के कार्य पे और मोदी जी को लोग चाहने लगे। बहुत खुशी है सर, हम रात के सोए नहीं है, 15 बस आई है हमारे फकीर गुजरी से। ABP News
आपको रखे आगे।